अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के चिकन स्लाइडर्स। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच में बनाकर दीजिएगा, टी टाइम के लिए बनाइएगा, ब्रेकफास्ट के लिए बनाइएगा, हर जगह यूज़ होते हैं। बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने लिए हैं, यहाँ मैंने लिया है 4 कप्स फ्लोर, यहाँ मैंने नॉर्मल वाटर लिया है जिसे हम डो गूंदने के लिए यूज़ करेंगे, जितना भी यूज़ हो जाए। यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप ल्यूक वॉर्म मिल्क, नीम गर्म दूध। इसके साथ यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 एग और 2 टेबलस्पून बटर। इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो प्रिपेयर करेंगे। जी, तो इसकी डो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक बाउल में लेंगे 1/2 कप ल्यूक वॉर्म मिल्क, नीम गरम दूध, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 एग। इसको आप विस्कर की मदद से सबसे पहले मिक्स कर लें। साथ ही इसके अंदर आप ऐड कर लें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट और 1 टेबलस्पून शुगर की। जी व्यूअर्स, अब सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर फ्लोर ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और इसको अब हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूंगी। आप बटर की जगह यहाँ ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है नॉर्मल वाटर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करती जाऊँगी और एक स्मूथ सी डो रेडी करूँगी। यहाँ आप हाथों की मदद से इसे गूंद कर एक स्मूथ सी डो रेडी कर लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं। नॉर्मल थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी है, ना ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। इस तरह से आप एक स्मूथ सी डो रेडी कर लें। जी व्यूअर्स, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंदने के बाद ये देखें हमारी सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है। अब आप इसी बाउल में या किसी दूसरे बाउल में हल्का सा इसे ऑयल से ग्रीस करें और अपनी डो को इसके अंदर रख दें। अब इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे या जब तक ये डबल हो जाए राइस होकर, तब तक आपने इसको रखना है। किसी गर्म जगह पर रख दें ताकि ये राइस होकर इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। उसके बाद हम इसका चिकन रेडी करके फिर हम अपने स्लाइडर्स रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 1.5 घंटे बाद माशाल्लाह हमारी डो देखें बहुत अच्छी राइज हो गई है। इसका वॉल्यूम डबल हो गया है, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। इस तरह से आप इसकी सारी एयर निकाल दें। अब आप इसको बाउल में से बाहर निकाल लें, थोड़ा सा फ्लोर डस्ट कर लें। अब आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें जिसके हमने बंस रेडी करने हैं। अब हम इसके इक्वल साइज के इस तरह से बॉल्स कट कर लेंगे और इनके बॉल्स बनाकर हम अपनी ट्रे में लगाएंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ली है जिसको मैंने ग्रीस करके इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया, उसको भी मैंने लाइट सा ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ आप एक एक पोर्शन उठाते जाएं अपनी डो का और इसको इस तरह इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर अब आप अपनी बेकिंग ट्रे में रखते जाएं। जी, तो हमने अपने सारे डो के जो बॉल्स हैं वो बनाकर अपनी बेकिंग ट्रे में रख दिए हैं। अब हम इसे मज़ीद आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये इसके अंदर अगेन थोड़े से और राइज हो जाएं, उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। जी व्यूअर्स, मज़ीद आधा घंटा रखने के बाद ये देखें हमारे जो डो के बॉल्स थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मज़ीद राइज हो गए हैं। अब यहाँ मैंने 1 एग बीट कर लिया है और इसको अब मैं ब्रश की मदद से इनके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा।
जी, तो यहाँ मैंने इसको सबको एग के साथ ऊपर से ग्रीस कर लिया है। यहाँ मैंने कुछ सीसेम सीड्स यानी कि वाइट तिल लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं ये स्प्रिंकल कर दूंगी। तकरीबन 15 मिनट्स पहले ही मैंने अपना ओवन प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया था। वो बहुत अच्छा इस टाइम तक प्री हीट हो गया है। इसके ऊपर इस तरह से थोड़े से तेल आप स्प्रिंकल करें जो बंस के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी कलौंजी ली है, इसको मैं बहुत माइनर सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, सिर्फ इसके ऊपर से डेकोरेशन के लिए। इससे माशाल्लाह इनकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इनको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए अपने पहले से प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको बेक करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, आफ्टर 20 मिनट्स हमारे स्लाइडर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, तब तक अपनी चिकन फिलिंग रेडी करेंगे। अगेन इसके अंदर हम चिकन फिलिंग इसको हम लगाएंगे इसके अंदर, और अगेन हम इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। जी व्यूअर्स, चिकन फिलिंग के लिए यहाँ जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें यहाँ मैंने लिया है चिकन, जिसे मैंने सिंपल इसमें नमक डाल के इसको मैंने बॉईल किया। ब्रेस्ट पीसीज लिए हैं जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया है, और ये इसको साथ ही मैंने श्रेड कर लिया है। एक बड़ा बाउल मैंने लिया है। इसके साथ यहाँ मैंने एक बड़ी कैप्सिकम ली है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, अनियन इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके साथ इसमें डलेगा तकरीबन 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस में इसमें ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप इसमें सिंपल टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, यहाँ तकरीबन 3 मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है सॉल्ट, क्योंकि मैंने चिकन को बॉईल करते हुए भी उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था, इस वजह से यहाँ 1/2 टीस्पून लिया है, तेज़ ना हो जाए। इसके साथ यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है गार्लिक पाउडर, और यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है पेपरिका पाउडर। अब हम इसे अपनी चिकन की फिलिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लें, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। अब इसके अंदर आप चॉप किया हुआ अनियन ऐड कर दें और इसे सौते कर लें। जैसे ही अनियन सौते हो जाएगा तब हम इसमें चॉप की हुई कैप्सिकम ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च, और इसको भी हम इसके साथ ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हमारे अनियन और शिमला मिर्च दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम अपना बॉईल और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे, इसको भी मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें यहाँ मैंने लिए ग्रीन चिलीज, सॉल्ट, पेपरिका पाउडर, आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ मैंने ब्लैक पेपर, ऑयस्टर सॉस, इसके साथ हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इसको अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तेज़ आंच पर इनको अच्छी तरह से आप एक दफ़ा भून लें, ताकि चिकन के साथ सारे स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और लास्ट में अब हम इसके अंदर साथ ही थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसके अंदर इसकी जगह टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको तकरीबन 1 मिनट तक हम पकाएंगे। जी व्यूअर्स, ये तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद हमारी चिकन फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। जी, तो अब हम अपने स्लाइडर्स के अंदर लगाने के लिए सॉस रेडी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक बाउल में तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून हम मायोनीज लेंगे, और इसके अंदर साथ ही हम 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड कर देंगे,
और इसके साथ इसको यमी बनाने के लिए यहाँ मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है, जिसे हम तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। और हम इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करके एक यमी सी सॉस रेडी कर लें। जी तो व्यूअर्स, अब हमारे स्लाइडर्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको इस तरह बटर पेपर को आराम से पकड़ते हुए इसको हम डीमोल्ड करते हैं, इसको अपने मोल्ड से बाहर निकालते हैं। जी व्यूअर्स, इनको उल्टा करके इस तरह से इनका बटर पेपर आप रिमूव कर दें। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं और बहुत ही माशाल्लाह सॉफ्ट, ये देखें आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सॉफ्ट से बंस बने हैं। पेपर रिमूव करने के बाद अब हम इसकी बहुत आराम से इस तरह कटिंग कर देते हैं। जी व्यूअर्स, इसकी बड़े एहतियात से मैंने इस तरह कटिंग कर ली है, क्योंकि अब हमने इसको इसमें फिलिंग करके इसको दोबारा से बेक करना है, इसीलिए इसको अब हम इस तरह से इसके ऊपर दोबारा से अपना बेकिंग पैन उल्टा रखें और इस तरह से इसको दोबारा इसके अंदर डालकर अब हम इसकी ऊपर वाली लेयर आराम से उठा लेंगे। जी व्यूअर्स, इसकी ऊपर की टॉप की लेयर ये देखें मैंने इस तरह उतार के अलहदा कर ली है और ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट से बंस हैं हमारे। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले असेंबलिंग करने के लिए अपनी जो हमने सॉस रेडी की है अब हम वो लगाते हैं। सॉस अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर यहाँ मैंने चेडर चीज़ को श्रेड कर ली है, अब इसके ऊपर हम यहाँ चेडर चीज़ सारी लगा देंगे। इसके ऊपर चेडर चीज़ सारी लगाने के बाद अब हमने जो अपना चिकन रेडी किया है अब हम इक्वली बैलेंस करके सारे स्लाइडर्स के ऊपर उसकी तह लगा देंगे। यहाँ सारा चिकन अप्लाई करने के बाद अब यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ को भी श्रेड कर लिया है, अब इसके ऊपर हम इसकी लेयर लगा देंगे। ये बहुत माशाल्लाह चीज़ी से स्लाइडर्स बनते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। मोज़रेला चीज़ अप्लाई करने के बाद अब इसके ऊपर हम जो स्लाइडर्स का टॉप वाला हिस्सा था अब इसके ऊपर अब हम वो रख देंगे, सारा इसे कवर कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, सारे स्लाइडर्स ऊपर इसका टॉप रखने के बाद अब हम इसे अगेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए दोबारा से बेक करेंगे ताकि इसके अंदर की चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसके ऊपर का कलर भी सेट हो जाए। जी तो आफ्टर 15 मिनट्स ये देखें हमारे स्लाइडर्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छे बेक हो गए हैं, इसके ऊपर से माशाल्लाह कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हमारे मज़ेदार से चिकन स्लाइडर्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही चीज़ी से और बहुत मज़े के बने हैं। ये मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ, आप अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा, उन्हें इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। ये देखें माशाल्लाह इसमें चीज़ की और चिकन की फिलिंग बहुत मज़े के लगते हैं। इसे आप टी टाइम में खाएं, इसको आप बच्चों को लंच में बना कर दें, बहुत मज़े के लगते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।